हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रीति और किचन गोल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। होली आने वाली है और इस समय घर में सबसे ज़्यादा स्नैक्स और स्वीट्स बनाए जा रहे हैं, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्नैक्स रेसिपी लेकर के आई हूँ जिसको हम बनाएंगे आटा और सूजी से। आटा से बने स्नैक्स हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं और खाने में तो टेस्टी लगते ही हैं। तो आज की रेसिपी का नाम है पिन व्हील मसाला मठरी। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कटोरी गेहूँ का आटा और इसके साथ ही हमें चाहिए 1/2 कटोरी सूजी। ये मेजरमेंट आप एक ही बर्तन से करें तो ज़्यादा सही रहेगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक, साथ ही अजवाइन डाइजेशन के लिए भी अच्छी होती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। और इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी मठरी में डालने से मठरी का स्वाद दुगना हो जाता है। ये सब डालने के बाद हम इसको आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ही 1 बड़ा चम्मच हम डालेंगे इसमें देसी घी। आप चाहें तो इसमें वेजिटेबल ऑयल भी डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पर इसमें देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से अच्छे से देसी घी को आटे में मिक्स करना है। आटा गूंथने के लिए हमें नॉर्मल वाटर का यूज़ करना है, ना ठंडा ना गर्म। तो ध्यान रहे नॉर्मल वाटर से ही आप आटा लगाएं। थोड़ा थोड़ा आटे में पानी डालते हुए हम इस तरह से आटे में मिक्स करेंगे। हमें रोटी बनाने वाले आटे की तरह सॉफ्ट आटा नहीं लगाना है, थोड़ा सा हार्ड आटा लगाएंगे जिससे कि हमारी मठरी क्रिस्पी बनेगी। जब भी आप मठरी वगैरह का आटा लगाएं तो इस बात का ख्याल रखें कि पानी हमेशा थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, जितना आटे में लग जाए, वरना ज़्यादा पानी डालने से आटा गीला हो जाता है। तो हम इसको 10 मिनट के लिए ढक कर के रख देंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा आटा लेंगे जितने की हम रोटी बनाते हैं और इसे हम चकला बेलन की हेल्प से इस तरह से रोटी की तरह बेल लेंगे। आप चाहे तो थोड़ा और बड़े साइज में भी रोटी की तरह बेल सकते हैं। अब इसके ऊपर से हम ऑयल ग्रीस करेंगे, तो ऑयल हमें अच्छे से पूरा रोटी पे इस तरह से लगा देना है। उसके साथ ही यहाँ पर इस पे मैं डाल रही हूँ चाट मसाला। चाट मसाला डालने से बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। उसके साथ ही काली मिर्च पाउडर इस तरह से हमें पूरी रोटी पर फैला देनी है। उसके साथ ही कश्मीरी लाल मिर्च, इससे क्या है थोड़ा सा कलर अच्छा हो जाएगा इसका, इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये सारे मसाले डालने के बाद अब हम इसको इस तरह से रोल करेंगे। धीरे धीरे हमें पूरी रोटी को इस तरह से रोल करना है और फिर इस तरह से इसको हमें रोल करने के बाद हाथ से दबा देना है जिससे सारी लेयर आपस में खुले ना, थोड़ा सा चिपक जाएं। अब हम इसको चाकू की हेल्प से छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से कट करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपकी जो भी क्वेरीज हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए छोटे छोटे पिन व्हील के जैसे ये हमारे मठरी की पिन व्हील के जैसे बन गए हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, हाथ से थोड़ा थोड़ा सा दबा देंगे जिससे कि इसकी सारी लेयर दिखनी चाहिए। हाथ से दबा के इसको सबको रख देंगे। अब हम चकला बेलन से थोड़ा थोड़ा छोटा साइज में इसको बेल लेंगे। इसको हाथ से थोड़ा सा इस तरह से जैसे दबा दिया है, हम इसको ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, अच्छी बनती हैं, बट मैं थोड़ा सा इसको और पतला करके तब फ्राई करूंगी। तो देखिए मैंने ये एक रोटी की जो मेरी बनी है ये वो इतनी बन गई है। इसी तरह से बाकी के आटे से भी मैं सारी पिन व्हील मठरियाँ बना लूंगी। तो देखिए सारी मठरियाँ बनकर के रेडी हैं। तो चलिए अब इनको फ्राई करते हैं। तो कढ़ाई मैंने रख दी है गैस पे, तेल गरम हो गया है। अब एक एक करके हम इसमें अपनी पिन व्हील मठरियों को डालेंगे। जितनी कढ़ाई में आए आप उतना ही डालें, ज़्यादा नहीं डालें, वरना ये ठीक से सिक नहीं पाएंगी, इनको जगह नहीं मिलेगी पूरा सिकने के लिए। ये मठरी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं क्योंकि आटे की बनी रेसिपी है, मैदा से नहीं बनी है, तो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छी है, नुकसान नहीं करती है। आप इसको 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती है। बच्चों को ये बेहद पसंद आती है, आप उनको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो देखिए करछली से हम इसको ऐसे चलाएंगे, धीरे धीरे इसका कलर चेंज होने लगा है। सो फाइनली इसका कलर चेंज हो गया है, देखिए गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसी तरह से बाकी की मठरी को भी हम कढ़ाई में डालेंगे और इनको अच्छे से सेकेंगे और देखिए जब इनका कलर चेंज हो जाए तब हम इनको बर्तन में निकाल लेंगे। होली आ रही है, होली पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, आपके मेहमानों को बहुत पसंद आएगी। मैंने तो बना के रख ली है, आप भी ज़रूर बनाइए और बताइए कैसी बनी। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी सारी पिन व्हील मठरी बन करके रेडी है।
वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।